नमस्कार, आप सभी का पेबल्स के किचन में स्वागत है। आज हम एक बच्चों की फेवरेट डिश बनाने जा रहे हैं, आलू टिक्की। आलू टिक्की कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए हमें ये सामग्री चाहिए, 2 उबले हुए आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, मैदा, बारीक कटा हुआ प्याज और ब्रेड क्रम्स। आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए और उस मैश किए हुए आलू में आप प्याज डालिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालिए, धनिया पत्ता जो बारीक कटा हुआ, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर। इस सारे मिश्रण को अच्छे से मिलाइए। ये टिक्की का मसाला रेडी है। थोड़ा तेल हाथ में लीजिए जिससे ये जो हमारे टिक्की बने हैं वो हाथ में चिपके ना। अब हमने छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। अभी मैदा का जो घोल बनाना है उसको पानी में मैदा मिक्स कीजिए और इसमें ये टिक्की डुबोइए। ये टिक्की मैदे के घोल में डुबोने के बाद ब्रेड क्रम्स पे इसको पूरा लगाइए और जो ब्रेड क्रम्स लगे हुए जो टिक्की हैं अब उनको तलिए। इसको अच्छे से धीमी आंच पे आप तल सकते हैं। अच्छा सुनहरा होने के बाद इसको निकाल लीजिए। ये है हमारा रेडी आलू की टिक्की। तो आपने देखा आलू टिक्की बनाना कितना आसान है। आप ये आलू टिक्की अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और वो भी बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।